हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि आपको पता है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी में बन रहा है, और उसका जो टनल है वो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कोड़ी साइड में है। जैसे कोड़ी साइड से चनाब ब्रिज के ऊपर से आएगी ट्रेन, और वो कौन से फास्ट वाले टनल में जाएगी कश्मीर वाली साइड में, मैं आज आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि वो कौन सा टनल है। तो गाइस, यही वाला टनल है। इस टनल का नाम है T6। इस टनल को T6 के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम T6B1 इसको बोला जाता है। ये चनाब ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जो कश्मीर वाली साइड में जाएगी, और ये फास्ट टनल है जो कोड़ी साइड में, इसके अंदर एंट्री करेगी, और उसके बाद में आगे जाके एडिड है, और आपको एडिड दिखाऊंगा मैं, और एडिड भी जाके दिखाऊंगा। एडिड किसको बोलते हैं कि जो अपना, जैसे कि मटेरियल जो टनल का रहता है, और वो वहाँ पे खाली किया जाता है जब टनल का काम कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, उस टाइम में उसको वहाँ पे खाली किया जाता है। और ये फास्ट टनल है जो चनाब ब्रिज के ऊपर से आएगा कश्मीर वाली साइड में, जो जाएगी हमारी ट्रेन, तो उसके लिए ये फास्ट टनल है कोड़ी साइड में। तो आगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ एडिड कहाँ पे और क्या उसका सिस्टम है, और एडिड अंदर भी जाके थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपने देख ही लिया कि हम कि कौन से रास्ते से आए, और अभी हम जहाँ पे पहुँचे हुए, जो T6 का जो एडिड है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एडिड है। एडिड उसको बोला जाता है कि जो अंदर टनल रहता है उसका जो मटेरियल अंदर से निकालने के लिए कुछ रास्ते जो छोड़ने पड़ते हैं, तो उनको बोला जाता है एडिड। तो ये वही एडिड है, ये एडिड B6 का एडिड है, इसको एडिड बोला जाता है। और पहले ये एडिड नहीं था, पहले ये टनल ही था, बट कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इसको फिर एडिड बनाया गया, और इसके अंदर से सीधा 6 के बाद सीधा 9 जो टनल है, 8 जो 8 T8 है वहाँ पे चला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो 6 के बाद 7 इधर था, बट नहीं, वो 7 जो कैंसिल किया गया। क्यों? क्योंकि उसकी कोई प्रॉब्लम होने की वजह से उसको कैंसिल किया गया। और ये देख सकते हैं आप, ये P6 का एडिड है, और मैं दिखाता हूँ अभी, जो 6 के बाद 7 था, और उसके बाद में 8 आगे है, फिर 9 है। बट मैं आपको आज की जो अपडेट है वो मैं यहाँ तक ही देना चाहता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अभी 6 आपको मैंने बता दिया कि 6 कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कौन सा उसका एडिड है, और 6 के बाद मैं अभी आपको बताऊंगा 7 कौन सा है। 7 को कैंसिल किया गया था, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उसको कैंसिल किया गया था, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा 7 जो T7 है, मैं अभी आपको वो दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये सामने ही आप देख सकते हैं चनाब ब्रिज, इसके ऊपर से ही जो ट्रेन आएगी, और अंदर जाके कश्मीर वाली साइड में T6 आएगा। T6 के बाद में ये निकलेगा इधर,
ये आप देख सकते हैं ये एडिड है, ये मटेरियल निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था इसका वो निकालने के लिए इसीलिए ये एडिड बनाया गया। और इसके अंदर से ही जो है ये 8 नंबर टनल है वहाँ पे निकला है, क्योंकि 6 के बाद 7 नहीं है, 6 के बाद सीधा 8 है, 6 के बाद 7 जो था वो कैंसिल किया गया है। मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कि वो कैंसिल क्यों किया। तो गाइस ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो सामने आप देख रहे हो ये है जो 7, 6 के बाद में 7 ये है, बट इसको कैंसिल किया गया कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इसको कैंसिल किया गया, क्योंकि उसके अंदर से ही 6 के अंदर से ही सीधा 8 में लिया गया है, 7 को कैंसिल किया गया था, वो कोई इनकी प्रॉब्लम होगी नॉर्दर्न रेलवे की जहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ये कंप्लीट हो पाया तो इसको छोड़ दिया कंपनी ने। कितने का नुकसान हुआ होगा ये तो वही जानती है कंपनी जहाँ गवर्नमेंट जानती है, बट हम आपको यही दिखा रहे हैं कि ये जो 7 है ये वाला, ये आप सामने देख सकते हैं 7 ये वाला जो कैंसिल हो गया है, सीधी 6 के बाद में सीधी 8 में ट्रेन जाएगी, 8 से 9 में 9 से 10 में 10 से 11 में 11 से 12 में 30 ऐसे सभी आगे आगे जाती रहेगी। और ऐसे ही मैं आपको वीडियो बताता रहूँगा, जैसे आज मैंने 7 तक बताई आपको, नेक्स्ट वीडियो में 8 और 9 की बताऊँगा, फिर 9 के बाद में 10 और 11 की और 12 की तो आपने मेरे देख ली होगी, जो नया विजिट कर रहा है वो मेरे चैनल को देख के और वहाँ पे वो देख सकता है, मैंने 12 जो टनल नंबर 12 है वो उसकी मैंने डाल दी है वीडियो, उसको 12 नंबर से भी जाना जाता है, ऐसे हम उसको 12 बोल रहे हैं बट 12 नंबर टनल उसको बोला जाता है, और वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।